हेलो गाइस, चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ। और आज आपको वहाँ पे हम सारी चीज़ें बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स का एडमिशन होता है, किस यूनिवर्सिटी में बॉयज़ का एडमिशन होता है। तो चलिए चलते हैं हमारी ब्लॉग। ये देखिए, ये श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज का फ्रंट गेट है, जहाँ से आप एंट्री अंदर ले सकते हैं। ये जस्ट इस रेड लाइट के पास में है, जो कि विश्वविद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी। ये खालसा कॉलेज के हम अंदर आ चुके हैं और ये है रिसेप्शन। ये कॉलेज का कॉरिडोर है और ये स्टेयर्स है ताकि आप ऊपर जा सकें। ये कॉलेज के बीच की एक पार्क है, कॉलेज के बीच में, जो कि बिल्डिंग्स के बीच में है। ये आपके कॉलेज के क्लासरूम्स हैं और ये बोर्ड। ये आपको हम ये कॉलेज अंदर पार्क की साइड से भी दिखा देते हैं। ये वो पार्क है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, और ये कॉलेज की बिल्डिंग है। काफ़ी साफ़ सुथरी और सुंदर बिल्डिंग है। ये खालसा कॉलेज है, खालसा कॉलेज की बिल्डिंग है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मिरांडा हाउस के गेट पे। ये मिरांडा हाउस कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पे गर्ल्स का ही एडमिशन होता है, बॉयज़ का एडमिशन नहीं होता है। खालसा कॉलेज से ये लगभग 500 मीटर की दूरी पे है, और खालसा कॉलेज के जस्ट बाद ये मिरांडा कॉलेज होता है। अब हम पहुँचे हैं ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स के लिए बहुत फेमस कॉलेज है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये, और इसकी बिल्डिंग पे भी आप देख सकते हैं SRCC का। अब हम पहुँचे हैं दौलत राम कॉलेज के पास, और ये कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है। इसमें आप गर्ल्स का ही एडमिशन होता है। ये कॉलेज का पार्किंग लॉट है, सॉरी नॉट पार्किंग, ये पार्क है कॉलेज का फ्रंट पे, और ये आगे का कॉलेज है दौलत राम का। ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, दौलत राम कॉलेज ये वुमेंस के लिए जाना जाता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है वुमेंस के लिए। दौलत राम कॉलेज के ठीक सामने है ये आर्ट्स ऑफ फैकल्टी की बिल्डिंग है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। जैसे कि ये सोशल स्टडी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सोशल स्टडी की पढ़ाई होती है। ये सत्यकाम भवन, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस बिल्डिंग है। ये हमारी कैंटीन है, कैफेटेरिया, कॉलेज के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में है। और इन्हीं बिल्डिंग्स में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की क्लासेस चलती हैं, जब क्लासेस शुरू हो जाती हैं इन्हीं एरियाज़ में। ये इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगा हुआ है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के अंदर की बिल्डिंग्स हैं। और इस बिल्डिंग के इसके बाहर आपका आर्ट्स ऑफ फैकल्टी का मेन एंट्रेंस है, और उसके अंदर ये पार्क बना हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पार्क है, और काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं यहाँ पे। यहीं पे आपकी लैंग्वेज की क्लासेस भी चलती हैं, स्पेनिश, जैपनीज, जर्मन, इन सब की क्लासेस आपकी यहीं चलती हैं। आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है। अरे, हम लोग कॉरिडोर में घूम रहे हैं आर्ट्स ऑफ फैकल्टी के। यहाँ पर लैंग्वेजेस की क्लासेस चलती हैं मेनली, और यहाँ पे बहुत तरीके की लैंग्वेजेस की क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है और इवनिंग शिफ्ट भी होती है। यहाँ आने के बाद कुछ रूल्स का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि लीनिंग ऑन द वॉल विथ फुट इज़ प्रोहिबिटेड एंड सिटिंग ऑन दी विंडो इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का बोर्ड, और ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की मेन एंट्री। ये विवेकानंद जी की स्टैचू है, जिसका बहुत ही मान सम्मान किया जाता है इस यूनिवर्सिटी में। और ये आप यही कुछ आपने देखा होगा अक्सर फ़ोटोज़ और वीडियोस में, 100 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन के लिए यहाँ ये लगाया गया है। और ये आपका विवेकानंद जी की स्टैचू, जब विवेकानंद जी की जयंती होती है और कुछ इवेंट्स होता है, तो सबसे पहले यहीं पे आके उसकी शुरुआत की जाती है। ये मेन एंट्रेंस है आर्ट्स ऑफ फैकल्टी का। सो अब हम आ चुके हैं रामदास कॉलेज की ओर, और ये है रामदास कॉलेज। ये रामदास कॉलेज है हमारा प्यारा सा रामदास कॉलेज। रामदास कॉलेज में क्वाइट है, आप मैन हो या वुमेन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एडमिशन ले। ये हम कॉलेज के अंदर की तरफ आ चुके हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज की अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर काफ़ी सुंदर बनाया गया है। देखिए, देर
जस्ट कॉलेज की बैक बिल्डिंग है जहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स पे ही यहाँ एडमिशन होता है नॉर्थ कैंपस की। यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत है। ये रामजस कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ स्पोर्ट्स मैच होते हैं आपके, बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे आपके मैचेस होते हैं। ये हमारा सेंट स्टीफन कॉलेज काफ़ी सुंदर कॉलेज है। ये आपने मूवी देखी होगी हाफ गर्लफ्रेंड, वो मूवी इसी कॉलेज में बनाई गई है। और सेंट स्टीफन कॉलेज के ठीक सामने हिंदू कॉलेज है। चलिए अब हम आपको हिंदू कॉलेज में लेके चलते हैं। ये हिंदू कॉलेज का फ्रंट गेट है। अभी समर वेकेशन चल रही है, इस वजह से कॉलेजेस की छुट्टी है और काफ़ी कॉलेजेस बंद हैं। हिंदू कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है। नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप उसमें एडमिशन लें। नॉर्थ कैंपस का क्राउड बहुत अच्छा है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, अलग अलग ग्रुप मिलते हैं जिन पे आप बहुत कुछ सीखते हैं। हिंदू कॉलेज के बाद अब हम आ गए हैं करोड़ीमल कॉलेज। इस कॉलेज में, ये कॉलेज हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए बहुत फेमस है। ये है हंसराज कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छे भी हैं, और आप लोग तो जानते हैं हंसराज कॉलेज फेमस किसके लिए। सो लास्टली अब हम पहुंच चुके हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पास। ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसे हम डिस्टेंस गैप एजुकेशन भी कहते हैं, इसमें यह है कि आप डिस्टेंस से अपनी बीए की डिग्री ले सकते हैं यहाँ से। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है और ये नॉर्थ कैंपस के पास ही है। विश्वविद्यालय से जस्ट पीछे ही पड़ता है, आपको यहाँ आने के लिए परेशान होने की नीड नहीं है। आप यहाँ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और यहाँ से आप यूलू लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी की सैर कर सकते हैं। सो हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हमें अपना प्यार भेजते रहें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।